हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में, पार्ट सेकंड। अगर आपने मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। आइए, मैं आपको टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली नदी है पार्वती नदी। अब इसका उद्गम कहां से हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ। इसका उद्गम हुआ है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम हुआ है और इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर। किलोमीटर से ये इसकी लंबाई है। इसके बाद में ये इसका बहाय क्षेत्र क्या है और सहायक नदियां कौन सी है। तो इसका बहाय क्षेत्र है सवाई कोटा, इसका बहाय क्षेत्र है और सहायक नदी है इसकी चंबल। चंबल में जाके ये नदी विलय हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड है हमारी काली सिंधी नदी। तो काली सिंधी नदी का उद्गम देवास, देवास के मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। इसके बाद में है इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर है, वही है इसकी। इसके बाद में ये कहां कहां से इसका बाह्य क्षेत्र है। तो इसका बाह्य क्षेत्र है राजस्थान, कोटा, झालावाड़। झालावाड़ यहां यहां से ये नदी बहती है, काली सिद्धि नदी, ठीक है। इसके बाद में इसकी सहायक नदी। तो इसकी सहायक नदी कौन सी है, चंबल, इसकी सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा आहू नदी। तो आहू नदी का उद्गम हुआ है सुसनेर, इसका भी ये भी मध्य प्रदेश से ही हुई है। मध्य प्रदेश से इसका उद्गम हुआ है और इसकी जो लंबाई है 495 किलोमीटर। और ये किस किस राज्य में, मतलब बाह्य क्षेत्र इसका क्या है। तो बाह्य क्षेत्र है इसका कोटा, राजस्थान, इसकी सहायक मतलब बाह्य क्षेत्र है ये। जिले तो ये है, मतलब यहां से आपकी गुजरती है क्षेत्र, और सहायक नदी है इसकी कोटा,
काली सिंध, काली सिंध इसकी सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है बनारस, तो ये इसका उद्गम कहां से हुआ है, तो इसका उद्गम हुआ है राजसमंद, राजसमंद के कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ से हुआ है इसका, ठीक है। राजसमंद के कुंभलगढ़ से ये बहती है कुंभलगढ़ में। बेनाड़, बेनाड़रस, बेनारस गांव, बेनारस गांव इसका उद्गम हुआ है राजसमंद से, जो कि जिला है। इसके बाद में इसकी लंबाई कितनी है, राजस्थान से जब ये प्रवाहित होती है ना, तो इसकी लंबाई है 512 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर से इसकी लंबाई प्रवाहित होती है, ठीक है। इसके बाद में ये इसका बाह्य क्षेत्र क्या है, राजसमंद, कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, इन इन क्षेत्रों से ही प्रवाहित होती है, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि ये जो नदी है ना, इसकी इसकी सहायक नदियां कौन सी है, सहायक नदी है इसकी कोठरी व खरी, इसकी सहायक नदी है। और इसके बाद में है बेचड़, बेड़च नदी, बेड़च नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो बेड़च नदी का उद्गम हुआ है उदयपुर से, इसका उद्गम हुआ है। उसके बाद में क्या है, इसकी कितनी लंबाई है, तो इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद में ये कौन कौन से राज्य से, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये कोटा, राजस्थान, सवाई माधोपुर भीलवाड़ा, राज्य से जिलों से ये गुजरती है ना। इसके बाद में क्या है कि इसकी सहायक नदियां कौन सी है, सहायक नदियां है इसकी गंभीर है इसकी एक, तो सहायक नदी है एक बनारस है, गंभीर बनारस, ठीक है।
उसके बाद में गंभीर नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो इसका उद्गम हुआ है करौली, तहसील है जो तहसील। करौली से उद्गम हुआ है, तहसील है जो, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 495, इसकी लंबाई है, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि ये किस किस राज्य में, तो करौली, इसका यहां लिख देती हूं मैं करौली का सर, धौलपुर, धौलपुर व कोटा, कोटा में ये प्रवाहित होती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? बड़ेज, इसकी सहायक नदी है। इसके बाद में गंगा नदी, गंगा नदी कहां से इसका उद्गम है? इसका उद्गम है बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसके बाद में इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, ठीक है, गंगा नदी का। इसकी सहायक नदियां मतलब बाह्य क्षेत्र तो इसका रहता है कि राजस्थान से प्रवाहित होती है, मतलब राजस्थान क्षेत्र, और सहायक नदियां हैं इसकी कौन कौन सी है इसकी? भाई राजस्थान क्षेत्र से तो ये भार क्षेत्र है, और सहायक नदी है यमुना, ठीक है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बाकी हम पढ़ेंगे कल।